बासोपट्टी बाजार स्थित गिरजा पैलेस विवाह भवन में मंगलवार को आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने किया। एनडीए एमएलसी उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह के पक्ष में एनडीए के कई नेता पहुंचे। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, एमएलसी घनश्याम ठाकुर सहित अन्य कद्दावर नेता मौजूद रहे। मंचासीन सभी अतिथि को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता को एनडीए के घोषित एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के द्वारा सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों को मिथिला परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि एनडीए की सरकार में पूरे देश में चहुंमुखी विकास जारी है। एनडीए की सरकार में महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर देश का गौरव बढ़ा रही है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। कई प्रत्याशियों ने तो बताशा, सनपापरी व डॉलर तक की बंटवारे कर रहे हैं, लेकिन उनके झांसे में नहीं आना है। उन्होंने सभी वोटरों से अपने पक्ष में प्रथम वरीयता का मत देने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन अमरेश झा ने किया। मौके पर खजौली विधानसभा प्रभारी हरिश्चंद्र शर्मा, जिला मंत्री संजय महतो, पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा उप नुनू झा, बीरेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष सहरलाखी, विधानसभा प्रभारी देवेंद्र यादव, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ठाकुर, अनारो देवी, देवेंद्र यादव, कन्हैया शर्मा, दीपक ठाकुर, अशोक पासवान, कृष्णदेव ठाकुर, अमरेश झा, अशोक झा, विनय सिंह, बबलू शाह, संजय ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मित्र आदरणीय अमरेश भाई, और इस जहां मैं आप सबों के बीच पहुंचकर आप सबों से आशीर्वाद मांगने के लिए उपस्थित हूं, वहीं इस समारोह में आप सबों के बीच, हम सबों के बीच देश के जाने माने चेहरा जिन्होंने मधुबनी ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी मधुबनी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे अभिभावक पिता कुल परम आदरणीय हुकुमदेव बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सब, हम आज आप सबों के बीच आशीर्वाद लेने के लिए आए। हम आप सबों का आशीर्वाद, हम आप सबों के आशीर्वाद से पूर्व में भी 2009 से 15 तक विधान परिषद, उसका मुकदमा आज भी मेरे ऊपर चल रहा है। हमने उसका कभी परवाह नहीं किया, चार मुकदमा हो या 400 हो जाए। हमारी पहचान, हमारी आवाज मधुबनी जिला के जनप्रतिनिधि है। उसके बाद हमने देखा मानदेय के रूप में वार्ड सदस्य को 3 महीना 4 महीना पर मात्र 100 रुपया मिलता था। जब ब्लॉक में मीटिंग होता था तो 100 रुपया मिलता था, साल में 200-300 रुपया मिलता था, कोई कोई साल 400 रुपया मिल जाता था, इससे अधिक नहीं मिलता था। हमने कहा यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमने कई बार मामला को विधान परिषद में भी उठाया, लेकिन बात वहां भी नहीं बन पाई। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।